नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है पौराणिक कथा चैनल में। मैं अंकित दुबे और आप देख रहे हैं पौराणिक कथा चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदू सनातन संस्कृति के अनुसार कितने प्रकार के विवाह होते हैं, आइए जानते इसी बारे में। दोस्तों इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सनातन संस्कृति के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते हैं। पहला विवाह ब्रह्म विवाह, दूसरा विवाह देव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चौथा विवाह प्रजापत्य विवाह, पांचवा विवाह गंधर्व विवाह, छठवा असुर विवाह, सातवा राक्षस विवाह, आठवा पिशाच विवाह। तो हम जानते हैं इन विवाह के अंतर्गत ब्रह्म विवाह, दोनों पक्ष की सहमति से समान वर्ग के सुयोग वर से कन्या की इच्छा अनुसार विवाह निश्चित कर देना ब्रह्म विवाह कहलाता है। इस विवाह में वैदिक रीति और नियम का पालन किया जाता है, यही सबसे उत्तम विवाह माना जाता है। देव विवाह, किसी सेवा धार्मिक कार्य उद्देश्य के हेतु मूल्य के रूप में अपनी कन्या को किसी विशेष वर को दे देना देव विवाह कहलाता है, लेकिन इसमें कन्या की इच्छा अनदेखी नहीं की जा सकती, ये मध्यम विवाह है। आर्ष विवाह, कन्या पक्ष वाले को कन्या का मूल्य देकर समानता गोदान करके कन्या से विवाह कर लेना आर्ष विवाह कहलाता है। प्रजापत्य विवाह, कन्या की सहमति के बिना माता पिता द्वारा उसका विवाह अविभाजित वर्ग धनवान और प्रतिष्ठित के वर से कर देना प्रजापत्य विवाह कहलाता है। गंधर्व विवाह, इस विवाह का वर्तमान स्वरूप है प्रेम विवाह। परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या का बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेना गंधर्व विवाह कहलाता है। वर्तमान में ये मात्र यौन आकर्षण और धन तृष्टि हेतु किया जाता है, लेकिन इसका नाम प्रेम विवाह दे दिया जाता है। इसका नया स्वरूप लिव इन रिलेशनशिप भी माना जाता है। असुर विवाह, कन्या को खरीद कर आर्थिक रूप से विवाह कर लेना असुर विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह, कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता है। पिशाच विवाह, कन्या की मदहोशी, गहन निंद्रा, मानसिक दुर्बलता आदि का लाभ उठाकर उससे शारीरिक संबंध बना लेना उससे विवाह करना पिशाच विवाह कहलाता है। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें आपके पास पहुंचे सबसे पहले। अब हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।